आरसी नवीकरण पर आपको आठ गुणा अधिक टंका देवा पड़ो। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया टेक टिप्स को आपको बहुत बहुत स्वागत करुच्छे। आज ये भिडियो मुझे आपको जो 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 कह गवर्नमेंट जो स्क्रैप पॉलिसी अच्छी कह तेबे आपन गोटे रिक्वेस्ट करती दयाकर भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मझी जगे स्किप करंतु नी कि फास्ट रु मझी जगे स्किप करन, नले आपन पाखरे संपूर्ण तथ्य पहुंची परिबो नाही। तेबे आम चैनल एम सब भिडियो देखिया पे आम चैनल ओडिया टेक टिप्स को सब्सक्राइब करंतु। भिडियोटी जदि भल लागे आपन जेमते लाइक एवं शेयर करंतु। आपन मनरे ए भिडियो को नै कोन क्वेश्चन रहिला ताकु भी जेमते कमेंट करंतु। तेबे आसंता अक्टोबर मासु जदि कहबे आमर आ केते मास रहिला, एटा होची मार्च मास, जदि कह यहाँ मार्च मस चल अक्टोबर मसने देशर नुआ नियम लागू होगा जाऊँ। 15 वर्ष रु अधिक पुराणा कार आरसी रजिस्ट्रेशन नंबर नवीकरण पर 8 गुणा अधिक टंका देवाक पड़पे। मैं 8 गुणा जदि कह बहुत ही अधिक हो जाए, कहार जदि कह पुराणा गाड़ी रखार सौक अच्छी विंटेज गाड़ी रखा से बहुत पसंद करते पकेट रू बहुत ही मोटा अंकर रकम खर्च होगा पड़ो, खर्च ताकू पड़ो। तेरे यही भिडियो में आपको कह चाहिए अक्टोबर मसू वर्ग में आसूबा कार गुड़ी कर दिखाँ कहली 15 वर्ष रु अधिक जदि आप गाड़ी आप गए जानते हैं स्क्रैप पॉलिसी एवं गवर्नमेंट कर देते 15 वर्ष रु गाड़ी पर जितने आप रिन्यू हो आपर जो आरसीटा रिन्यू होपर जो कह जी आपको पैसा देवा पड़ा आप टाँग देखिए रिन्यू करते आपन को 8 गुणा से गवर्नमेंट बढ़े। तेबे अक्टोबर मासरु एही वर्ग रे आसथिबा कार गुडी रा आरसी नवीकरण पय आपनकु 5000 टंका पैठ करबाकु पडिबो। एबे एथिपय मात्र 600 टंका देबाकु पडुछि। वर्तमान करंट स्थिति रे जदि कहबे आपन मात्र 600 टंका देई 15 वर्ष रो उपर जदि आपनकर गाडी हि जेतु आपन मात्र 600 टंका देई रिन्यू करि परछन्ति, किंतु अक्टोबर मास परठु आपनकु 5000 टंका देबाकु पडि। माने भाबी परथिबे केत्ते गुणा बढिछि रेट, आउ जा फल जेते अधिक थोर आपन रिन्यू करबे आउरी अधिक अधिक प्राइस आपनकर बढि बढ़ी। 15 वर्ष रु अधिक पुराणा बाइक आरसी जदि आप रिन्यू करे आप 1000 टंका देवा पड़ो। वर्तमान लोक 300 टंका देवा पड़ी, मात्र 300 टंकर आप रिन्यू करते आप रजिस्ट्रेशन जदि कह आरसी आप रिन्यू करते कि अक्टोबर मस पर आपको 1000 टंका देवा पड़ो। 15 वर्ष तलर ट्रक किंवा बस फिटनेस नवीकरण प्रमाणपत्र 12,500 टंका देवा पड़ो, जहाँ वर्तमान फी ठार 21 गुणा अधिक। मैं जदि आप कह अक्टोबर मस पर कौन ट्रक भी आप आरसीटा को रिन्यू कर 12,500 टंका पर्यंत देवा पड़पे रजिस्ट्रेशनटा रिन्यू करने। तीन चकिया जानर पंजीकरण 600 टंका रे हेउथिया बेले नवीकरण पय 2,500 टंका धार्य करा जायछि। विदेश को जाउथिबा कार बा ताठारु बडो गाडी रो पंजीकरण पय 5,000 टंका ओ नवीकरण पय आपनकु 40,000 टंका देबाकु पड़ि पारे। ते जो 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 गाड़ी इम्पोर्ट हो आसूची विदेश आसूच जो गाड़ी को आप तार आरसी आप रिन्यू करने आपको 40,000 टंका पर्यंत भी देवाक पड़ पारे। नुआ फिटनेस प्रमाणपत्र नियम माने नुआ फिटनेस प्रमाणपत्र जो अक्टोबर मास रु लागू होबाकु जाउची ता विषय मु आपन वर्तमान कहबाकु जिवि। विलंब कले आपन ऊपर बहुत ही बड़ जरिमाना लागी पारे, आ जदि आपन आरसीटी कि आपन बहुत डेरी रे आपन रिन्यू करछन देन आपन को आहुरी अधिक पैसा देबाकु पड़ी पारे। केन्द्र सड़क परिवहन मंत्रालय आरसी नवीकरण पर एपरी वर्धित फी धार्य करछन्ति। एहार ड्राफ्ट मध्य प्रस्तुत सरी जाइछि, माने ऑलरेडी काम सब सरी केवल अक्टोबर मास रु लागू हेबो। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी अधीन एपरी व्यवस्था करा जाइछि। परे गाड़ी जदि कह पर्सनल गाड़ी गुड़िकर आप पंजीकरण विलंब करछन्ति ताहाले आपको मासिक 300-500 टंका देबाकु पड़ी पारे अधिक। सेपर व्यावसायिक उद्देश्य से व्यवहित गाड़ी फिटनेस नवीकरण रे विलंब कले आपको 50 टंका दंड गणिया को पड़ो, पुणी भी डेली माने तापर आपको डेली 50 टंका लेखा आपको जरिमाना देवाक पड़ पारे। तेज आपड़ा भितर जी दिन भी लगे तार 50 टंका प्रति डे हिसाब से आपको 50 टंका देवाक पड़ पारे। सरकार प्रदूषण पुराणा गाड़ी को ब्यान करने को लक्ष्य रखिंट से ही नियम सबू वर्तमान लागू करपरी वर्धित फी लागू करमती आपको कहली वर्तमान ये जो प्रदूषण हो कारण पुराणा गाड़ी गाड़ी जिते पुराणा हे तार फिटनेस जदि कह जदि प्रदूषण कह तार आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी चलो। घर गाड़ी गुड़िक 15 वर्ष पुराणा हो गला प्रति 5 वर्ष थे यार आरसी को नवीकरण करवाक पड़ता है। जदि कह पर्सनाल गाड़ी मानने 15 वर्ष पर होगा आपन को प्रति 5 वर्ष पुणी रिन्यू करवाक पड़ता है।
ସେହିପରି ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ି 8 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇଯିବା ପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହାର ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ନବୀକରଣର କରାଯିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସି ପପୋଜେ କି ଟ୍ରକ୍ ହେରିକା ଯେକୌଣସି ଯେଉଁଟା ଘରୋଇ ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ ସିଏ ପ୍ରତି 8 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟା। ସହଜରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍କ୍ରାପିଂ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଗାଡ଼ି 1500 ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି ସେମାନେ ଗାଡ଼ିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସରକାର କରି ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସରକାର ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆମ ନିୟମଟି ଏଇଟା ଲାଗୁ ହେଉଛି। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ବଦଳ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କହିବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ସ୍କ୍ରାପିଂ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ମାନେ ଯେମିତିକି ଗାଡ଼ିର ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ବି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିର ଓନର ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ସରକାର ଭଲ ଦାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ବି ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ବଜାରରେ ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ଥିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କ୍ରାପିଂ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଗାଡ଼ିଟି ଦେବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଥିବ ସେଇ ମାର୍କେଟ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ପଇସା ଦେବେ। ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଥିବ ସେତିକି ଟଙ୍କା ହିଁ ମିଳିବ। ବଜାରରେ ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ହୋଇଥିବ ତଦନୁସାରେ ମାଲିକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସେତିକି ହିଁ ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀ ଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା, ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ଏତିକି ଟଙ୍କା, ଯେତିକି ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ହିଁ ଆପଣ ସିଏ ବିକିବେ କି କ'ଣ, ସେମିତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ମାର୍କେଟ୍ କରେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଚାଲିଥିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ହିଁ ମିଳିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆରାମସେ ଆଣିପାରିବେ। ତେବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ହେଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।